तो आज हम समझने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी कंपाउंड में जब ऐड होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। लाइक फंक्शनल ग्रुप्स आर सम काइंड ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी कंपाउंड में ऐड होने के बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, उन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कि हमारे पास CH4 है, मिथेन का फॉर्मूला होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे मिथेन। ठीक है, अब एक फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं जो कि है बेसिकली यहाँ पे मान लो OH। ये सफिक्स होता है किसका होता है, ये होता है एल्कोहल का। एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, OH उसका सफिक्स होता है, OH बेसिकली उसका एक फॉर्मूला होता है और सफिक्स भी होता है। सफिक्स मतलब कि जो किसी कंपाउंड के लास्ट में ऐड होकर उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करे। एग्जांपल के लिए मीथेन का फॉर्मूला हमारा CH4 होता है, हमने C ये H4 के साथ में स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पे और इसका फॉर्मूला का नाम है मीथेन। प्लस में मैंने इस बार इसमें अल्कोहल ग्रुप ऐड करने वाला हूँ तो मैंने क्या लगा दिया सफिक्स, इसका इसका सफिक्स जो होता है वो होता है OL। सफिक्स क्या होता है, OL, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया OL। अब क्या होगा कि यहाँ पे मीथेन और ये ई यहाँ से हट जाएगा, OL कंबाइंड हो जाएगा, क्या बन जाएगा मिथेनॉल। नाम चेंज हो गया इसका, पहले मिथेन था, जैसे हमने अल्कोहल ग्रुप का सफिक्स OL लगाया ये क्या बन गया मिथेनॉल। अब मिथेनॉल का फॉर्मूला भी तो अलग होगा, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से बनाते हैं, तो यहाँ पे CH4 हमारा मिथेन है, जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे और उसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे OH, तो ये बन जाएगा मिथेनॉल। कैसे, मान लो C है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे OH लगा दो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिथेनॉल। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH3OH। सो फाइनली फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से बने होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। आज हमने पढ़ा फंक्शनल ग्रुप का पहला एग्जांपल अल्कोहल के बारे में, OH फॉर्मूला होता है, सफिक्स इसका होता है OL, नाम होता है अल्कोहल, ये मिथेन है, मिथेन के नाम में चेंज हुआ OL तो बन गया मिथेनॉल और इसके फॉर्मूला में चेंज हो गया OH तो क्या बन गया CH3OH, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। थैंक यू।